हिंदी पन्ना क्रमांक 16 8 परी। इसके ऊपर लिखा है चित्र निरीक्षण अंतर बताओ। अभी इस चित्र को हमें अच्छे से ध्यान से देखना है और इनके बीच क्या अंतर है वो हमें बताना है। कुछ देर हम इस चित्र को देखेंगे और फिर देखेंगे इनमें अंतर क्या है। तो इसमें सबसे पहला अंतर है एक, ये मैंने पहले ही यहाँ पे ढूंढ के रखा है, एक लिख कर रखा है। यहाँ पे एक बिंदु कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये एक नंबर का हो गया, दो नंबर यहाँ पे और तीन नंबर यहाँ पे। इनमें भी फ़र्क है, तीन हो गए, फिर चार है, यहाँ पे एक मछली कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये चार नंबर की हो गई। और पांच नंबर इनके बीच पैरों के बीच लाइन है और इन पैरों के बीच लाइन नहीं है। पांच अंतर हमें मिल गए हैं। इसके आगे के अंतर आप खुद को ढूंढने हैं। और ये कवि और ये परी का चित्र आपको आपकी नोटबुक में निकालना है, उसे इसी तरह रंग देना है। सुंदर सी परी का चित्र आपको आपकी नोटबुक में निकालना है। पुनरावर्तन एक। प्रश्न पहला, खाने पीने की चीज़ों को चुनकर दूसरे घड़े पर लिखो। पहले हम पहले घड़े में जो शब्द दिए हुए हैं वो पढ़ेंगे अच्छे से। गिलास, कमल, पंखा, लस्सी, जलेबी, बर्फी, पेंसिल, मक्खन, लड्डू, ढोलक। अभी उन्होंने कहा है कि पहले घड़े में से शब्द पढ़ो और जो जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनके नाम लेकर आपको दूसरे घड़े में लिखने हैं। तो सबसे पहले शब्द है गिलास, नहीं कमल, नहीं पंखा, नहीं लस्सी। लस्सी तो हमारी बहुत फेवरेट है, सबसे पहले हम लिखेंगे लस्सी। फिर जलेबी, जलेबी भी हमारी फेवरेट है, फिर लिखेंगे जलेबी। बर्फ़ी, वो भी लिखेंगे। पेंसिल खाने की चीज़ नहीं है, वो बात अलग है, आप स्कूल में बैठे बैठे पूरे दिन पेंसिल खाते रहते हो, पर पेंसिल खाने की चीज़ नहीं होती। मक्खन, फिर लिखेंगे मक्खन। और आखिर में है लड्डू, तो हम लिख लेंगे लड्डू। ये इसी तरह मटका आपको आपकी नोटबुक में बना कर लिखना है। प्रश्न दूसरा, तारों में लिखे गए अक्षरों को मिलाकर नए नए शब्द बनाओ और बताओ। ध्यान रखें कि रंगीन तारे में दिया गया अक्षर सभी शब्दों में आए। अब उन्होंने कहा है कि इनका हमें शब्द बनाकर लिखना है, जैसे कि म दिया है और आसपास में सारे और अलग अक्षर दिए हुए हैं, तो इन अक्षरों को मिलाकर हमें उनका एक शब्द बनाकर लिखना है। लेकिन जो कलर में दिया हुआ है, रंग में दिया हुआ है शब्द, वो अक्षर सब शब्द में आना चाहिए। म दिया है तो हर शब्द बनाते हुए म हमें उसमें ज़रूरी आना है। सबसे पहले दिया है सो, तो हम बनाएंगे उसका समय। र, रसम, इसमें भी म आ गया, हम उसे अंडरलाइन करके भी लिख सकते हैं। समय, रसम, फिर कमल, डमरू, समझा, तमतमाता, मो, कमली, हम, डमडम, डो मडम, ये हो गए हमारे शब्द तैयार। आपको आपकी नोटबुक में ऐसे ही पूरी तरीके से स्टार बनाकर लिखना है। प्रश्न तीसरा, नीचे कुछ आदतें दी गई है, उनमें से तुम कौन सी आदतें अपनाते हो? उसके सामने सही निशान लगाए। नाखून काटना, काटते हैं तो उसके सामने हम करेंगे सही। देर तक सोना, देर तक सोते हैं क्या? नहीं, तो उसके आगे कुछ नहीं करना है हमें। बड़ों का सम्मान करना, करते हैं हम तो सही करेंगे। यहाँ पे किसी में गलत भी किया हुआ है लेकिन आपको गलत नहीं करना है, वो सिर्फ ब्लैंक रखना है। खाना खाने से पहले हाथ धोना, तो हम खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं तो उसे हम करेंगे सही। मित्रों से झगड़ना, गलत
लेकिन यहाँ पे गलत नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ब्लैंक रखेंगे क्योंकि हम मित्रों से नहीं झगड़ते, खुली चीज़ें खाना, खुली चीज़ें नहीं खाते, तो यहाँ पे ब्लैंक रखेंगे। हरी सब्जियाँ, हरी सब्जियों का सेवन करना सही, झूठ बोलना गलत, तो गलत नहीं करेंगे लेकिन पूरा ब्लैंक रखेंगे। समय पर पाठशाला न आना, करते हो समय पर, लेट आते हो क्या? अगर आप लेट आते हो तो सही करो, अगर वक्त पर आते हो रोज़ तो मत करो कुछ। मीठे बोल बोलना, मीठी बातें करते हो आप, हाँ तो सही कर दो। शब्दों की अंताक्षरी खेलो, अभी शब्दों की अंताक्षरी कैसे खेलना है कि मैंने किसी का नाम लिया, मैंने अगर किसी का नाम लिया, यहाँ पे एग्जांपल दिया है गुड़िया, गुड़िया तो इसके आखिर में कौन सा अक्षर है? या, तो या से मुझे कोई भी एक शब्द लिखना है, यो आ गया तो यो से, फिर यज्ञ, इसके आगे है ज्ञ तो ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञानी के आगे है नी तो आ गया नौ, नौ नौ हो गया, इधर आखिर में है ल, ल का हो जाएगा लड़का, इधर है का तो हो जाएगा काजल, काजल के आखिर में फिर से है ल तो ल से हो जाएगा लड़ाई, फिर इधर है ई तो ई से आ जाएगी इमली। ये हमारे अंताक्षरी हुई। प्रश्न पांचवा, घर से पाठशाला आते समय दिखाई देने वाली दुकानों के फलक पढ़ो और लिखो। तो घर से पाठशाला आते हुए आपको कौन से दुकानें दिखती है वो लिखना है। कावेरी ज्वेलरी दुकान, जनता सुपरमार्केट, चामुंडा डेरी, ये सारे नाम आपको, या फिर आप जो भी नाम देखते हो दुकानों के, वो दुकानों के नाम आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। प्रश्न छठा, नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। पहले हम शब्द पढ़ेंगे। पेंसिल, मंथन, बस्ता, हिरन, खुशी, खरगोश, चूड़िया, कमला, जूता, भालू, सायली, जिराफ, कुर्सी, कंचन, शेर, ये सारे शब्द दिए हुए हैं। नीचे एक टेबल दिया है, टेबल में दिया है प्राणी, वस्तु, नाम। अभी जो प्राणियों के नाम है वो हम प्राणियों में लिखेंगे, जो वस्तुएं हैं वो वस्तुओं में लिखेंगे, और जो नाम है वो नाम में लिखेंगे। सबसे पहला शब्द है हमारा पेंसिल, तो पेंसिल एक वस्तु है तो वो वस्तु में लिखेंगे। मंथन, मंथन एक नाम है तो फिर नाम में आ जाएगा मंथन। बस्ता, बस्ता भी वस्तु है तो वस्तु में आ जाएगा। हिरन प्राणी का नाम है। खुशी लड़की का नाम है। खरगोश प्राणी का नाम है। चूड़िया वस्तु है। कमला नाम है। जूता एक वस्तु है तो जूता यहाँ पे आ जाएगा। भालू, सायली, जिराफ प्राणी है। कुर्सी, कंचन फिर से लड़की का नाम है। शेर एक प्राणी है। आपको इसी तरह तरीके से टेबल बनाकर आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। और इस परी का चित्र नोटबुक में निकाल कर उसे रंग देना है। थैंक यू।